दोस्तों मैं बता देने वाला हूं कि मनीष कश्यप पे जो आज सुनवाई होने वाला था, आखिर सुनवाई क्यों नहीं हुआ? क्या आप लोग जानते हैं मनीष कश्यप एक निर्दोष है, जिसके कारण के वजह से ही आज मनीष कश्यप का यहां पे नहीं सुनवाई हो पाया, क्योंकि एपी सिंह ने जाहिर सी बात बता दिया, उन्होंने क्लियर बात बता दी कि इनकी लिस्ट को लास्ट में कर दिया गया था। आप लोग एपी सिंह के बारे में क्या सोचते हैं और मनीष कश्यप के बारे में क्या सोचते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताइएगा। सुनवाई होनी थी लेकिन सुनवाई नहीं हुई, कब होगी, क्यों नहीं हुई, तमाम सवालों को लेकर मनीष कश्यप के एडवोकेट एपी सिंह, एडवोकेट सब, क्यों नहीं सुनवाई हुई आज? नहीं, आज आदरणीय कृष्ण मुरारी, ऑनरेबल जस्टिस कृष्ण मुरारी साहब और ऑनरेबल जस्टिस संजय करोल साहब की डिवीजन बेंच में ये मामला था, लेकिन लंच तक ये मामला नहीं आ पाया, इसलिए इस केस में सुनवाई नहीं हो पाई। नंबर लास्ट में था, सुनवाई होनी चाहिए थी, अर्जेंसी के आधार पर सुनवाई होनी चाहिए थी, क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का जो हमें आर्टिकल 13, 14, 19 ये सब चीज़ें हमें जीने का अधिकार देता है, बोलने की आज़ादी देता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, तो इस आधार पर ये मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में डबल बेंच में था और इसमें हमने रिलीफ मांगी थी, सारे केस क्लब होने चाहिए, इंटरिम बेल होनी चाहिए। उधर तो शासन प्रशासन एक लगातार, आप सोचिए एक महीना हो गया है पीसी कस्टडी में, उसके बाद भी उसे रिलीफ नहीं मिल पा रहा है, लेकिन ये सोचना चाहिए, दर्पण सच ही दिखाता है, दर्पण सबसे कमज़ोर होता है, दर्पण टूट जाता है, बिखर जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाता है, लेकिन फिर भी दर्पण सच ही दिखाता है, सच दिखाना बंद नहीं करता। इसके आधार पर, पत्रकारिता के आधार पर गला नहीं घोटा जा सकता, पत्रकारिता के आधार पर बातें ठीक है, लेकिन अब भविष्य में सुनवाई कब होने वाली है? पता चलेगा जब आगे लगेगा, तो जैसे लिस्टेड होना है, लिस्टेड होगा, जब लिस्टेड होगा तब जैसा। लेकिन एनएसए जैसा मामला ये बहुत महत्वपूर्ण है, उसके लिए भी महत्वपूर्ण मामला था और जिसे जल्दी सुना जाना चाहिए, तो हम तो अदालत से यही दरख्वास्त रिक्वेस्ट करते हैं कि इस मामले को जल्दी सुना जाए। पीसी रिमांड पर है और इसकी ये प्रोसेस चल रहा है और वो गलत है, रासुका लगाई जा रही है, और भी पता नहीं कितनी एफआईआर दर्ज होंगी और कहां कहां दर्ज होंगी, ये सब भी चीज़ें आएँ और उसका ट्रायल हो, एक जगह क्लब करके हो, निष्पक्ष ट्रायल हो। राजनीतिक दबाव में केस बनाया गया है, राजनीतिक दबाव की वजह से इस केस को ना आंका जाए और इस केस को ना तोला जाए। तो फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इतनी तवज्जो को नहीं दिया, आपने जब बताया कि एनएसए महत्वपूर्न है, पत्रकारिता का गला घोटा जा रहा है, सर्वोच्च न्यायालय के लिए बहुत बड़ा नहीं मामला है, बिहार के लिए मामला है, प्रवासी के लिए मामला है, मजदूरों के लिए मामला है, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए लगा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो सुना, लेकिन सुना जाएगा, ऐसा हो जाता है कि जब नंबर, कितनी उम्मीद है, क्या कल लग सकता है ये? अब जब लिस्ट आएगी, तो पता चलेगा, उस लिस्ट के आधार पर पता चलेगा, उस आधार पर सुनवाई होगी और सुनवाई में पता चलेगा।